प्रदेश में बीएसटीसी में प्रवेश के लिए 26 मई को प्री डीएलडी परीक्षा होने जा रही है और इस परीक्षा के लिए प्रदेश में करीब 3000 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा को लेकर निजी संस्था संचालकों ने शिक्षा विभाग पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर विरोध जताया है। संस्था संचालकों का कहना है कि विभाग ने पहले के नियमों के अनुसार मानदेय देने का आश्वासन देकर संस्थाओं को अधिग्रहित किया है, लेकिन अब विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और जिनमें निजी संस्थाओं को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है और साथ ही निजी संस्थाओं के शिक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगवाई गई है और जिसके चलते संस्था संचालकों ने परीक्षा आयोजित नहीं करवाने की बात कही है। बीएसटीसी के लिए प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा इस बार 26 मई को होने जा रही है। परीक्षा में अधिक समय नहीं बचा है, लेकिन उसी परीक्षा को लेकर जो सरकार की ओर से अधिग्रहित करने वाली जो निजी संस्थाएं हैं वो इनके विरोध में उतर गई। कारण यह है कि दरअसल जो पहले जो पूर्व में परीक्षा होती थी उसके लिए जो निजी संस्थाएं जो के जो भवन है अधिग्रहित किए जाते थे उनको किराया और मानदेय दिया जाता था। साथ ही साथ जो मानदेय के साथ साथ जो वहाँ के जो निजी शिक्षक थे उनको भी लगाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ इनके अलग जो आदेश है जारी कर दिए गए हैं अधिग्रहित करने के बाद में। आइए से बता कर दें किस प्रकार जो नए आदेश हैं वो आए हैं। सर, सबसे पहले मैं बता दूं एलिमेंट्री में एजुकेशन में जो डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश कचेरा, वो दुर्भावनाग्रसित होकर आदेश निकाल रहे हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं थी उसमें कर्मचारी भी हमारा लगता था और सारी व्यवस्थाएं पैसा भी मिलता था, और चूंकि सरकार बच्चों से पैसा ले रही है तो देने में दुख भी नहीं होता है। उन्होंने धोखा देकर मार्च के माह में हमसे सेंटर लिए और अभी 15 मई को आदेश निकाला कि प्राइवेट स्कूल का न कर्मचारी लगाएंगे न पैसा देंगे। इसके खिलाफ हमने मंत्री जी को, क्योंकि सरकार को हमने समर्थन दिया था इसलिए मंत्री जी को ज्ञापन दिया, मंत्री जी ने फाइल मंगाई, पर 4 दिन से फाइल मंत्री जी के पास पेंडिंग है। अब ये क्यों है ये समस्या परे है, इसलिए हमने मिलकर ऐलान किया किसी भी कीमत पे एग्जाम नहीं होने देंगे। जितनी ताकत ओम प्रकाश का चेहरा लगाना चाहे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लगा ले, एग्जाम नहीं होने देंगे। सारी चाबी लेके मैं बैठूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले किस प्रकार की जो मानदेय किस प्रकार किराया भत्ता मिलता था इनकी स्कूल जो निजी स्कूल संस्थाएं भवन अधिग्रहित किए जाते उस टाइम? 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से जो आवंटित होते थे वो मिलता था, 2 रुपये कंटेंजेंसी चार्ज मिलता था और जो विक्षक होते थे उनको 650 रुपये मानदेय होता था, 1200 रुपये केंद्राधीक्षक का होता था, बाबू चपड़ासी इनका सबका पियोन का पैसा मिलता था। इस बार सरकार कुछ नहीं दे रही है और हमारे केंद्रों पे IAS RAS के एग्जाम होते हैं, बैंकों के होते हैं, रेलवे के होते हैं, स्टाफ हमारा खुद का होता है, अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे ये राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, और CS हमारा प्रिंसिपल होता है। इस बार हमारे प्रिंसिपल को इन्होंने ACS लगा करके उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ऐसे इनकी सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए हैं उसमें निजी संस्थाओं को भवन अधिग्रहित करने का ना तो किराया मिल रहा है ना ही वहाँ के शिक्षकों को लगाया गया है। ऐसे में परीक्षा 26 मई को होने जा रही है, समय बहुत कम बचा है, ऐसे में सरकार के पास और प्रशासन के पास भी सवाल खड़ा हो गया कि आखिर में परीक्षा किस प्रकार आयोजित करवाई जाए। जयपुर से कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ लोकेश ओला A1 News।